अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, उसमें से हमने पढ़ा मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरा है उसमें परमानेंट टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसको हम कहेंगे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं, दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो सेल्स होते हैं, दे लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, देन दे अटेन द डेफिनेट शेप। तब हम इसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। दिस परमानेंट टिश्यू इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। दीज सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। फंक्शनली सेम होते हैं। दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, द सेकेंड वन इज कॉल्ड कोलेनकाइमा, the third one is called scleroderma. First type is parenchyma, second type is colenchyma and third type is scleroderma. पहले हम पढ़ेंगे parenchyma किसको कहते हैं। parenchyma, this parenchyma it forms the bulk of plant body. It forms the bulk of plant body. Its cells are living. They have the power of division. And the cells are loosely packed. And these cells are widely distributed. These cells are found in soft parts of plant body. These parenchyma, they help in the transport of materials and stores waste and also stores food.
दूसरा टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो है कोलन काइमा। इट सेल्स आर ऑल्सो लिविंग। These are found below epidermis of dicotyledon stem. These tissues are mechanical tissues. That is, they provide support. And elasticity. They help in the manufacture of sugar and starch. Because of chloroplasts. तीसरा टाइप सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो है स्क्लेरेनकाइमा। इट सेल्स आर डेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग लेयर विच इज कॉल्ड लिग्निन एंड द सेल वॉल्स विच हैव द सीमेंटिंग लेयर दीज आर कॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स। Lignified cells or lignified walls. The cells are closely packed its cells are of two types that is fibers and sclerides. The sclerides are also called grid cells or stone cells. The sclerenchyma tissues are present in stems, roots, and veins of leaves. And also present in hard coverings of seeds, husk of coconut, etc. These tissues are in mechanical support. They provide the mechanical support. They are also protective in function. And provide is the flexibility rigidity and gives strength. Shukriya.